बच्चे टुडे इज ओवर 19 लेक्चर्स वी आर वेरी क्लोज टू अवर फाइनल टर्म एग्जाम्स ठीक है ओके बहुत आसान है आज का टॉपिक भी बेसिकली इट्स लिंक विद द मैनेजिंग मैस कम्युनिकेशंस ठीक है मैस कम्युनिकेशंस इटसेल्फ अगर आप देखा जाए तो इसमें इंक्लूड है प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर मीडिया मतलब जो भी प्रिंटिंग से रिलेटेड है मीडिया से रिलेटेड है वो सारा के सारा मैस कम्युनिकेशन में आ जाता है अब अगर हम लोग बात करें अपने प्रोडक्ट की प्रमोशंस की प्रमोशनल स्ट्रेटजीज की तो मैस कम्युनिकेशन इटसेल्फ इट्स अ प्रमोशनल स्ट्रेटजी फॉर द प्रोडक्ट ठीक है फॉर द ब्रांडिंग तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली है मैनेजिंग मैस कम्युनिकेशन ठीक है इसमें हम लोग बताएंगे कि किस तरह अपने ब्रांड की अपने प्रोडक्ट की हम लोग कम्युनिकेशन अपनी प्रमोशंस करेंगे टू मैस कम्युनिकेशन चैनल्स सबसे पहले ये फिगर आपको नजर आ रही होगी 18.1 द 5 MS ऑफ एडवर्टाइजिंग ठीक है 5 MS ऑफ एडवर्टाइजिंग MS 5 MS नाम रखने का मतलब यही है कि ये जो 5 MS हैं ये सब के स्टार्ट होते हैं विद द नेम ऑफ M ठीक है मिशंस मनी मैसेज मीडिया एंड इंस्ट्रूमेंट अगर आप लोग बात करें मिशंस की मिशंस मींस व्हाट इज योर पर्पस ठीक है मनी इस सब के सब जो मैंने पॉइंट हैं आपके अलग से जो हैं आपके सिंपल वर्डिंग में आपके आइडेंटिफाई कर दिए हैं यहाँ पे मिशन है व्हाट आर ओवर एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव व्हाट आर द पर्पस ऑफ योर एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव ठीक है उसके बाद है मनी मनी का मतलब है हाउ मच कैन वी स्पेंड एंड हाउ डू वी एलोकेट ओवर स्पेंडिंग अक्रॉस मीडिया टाइप्स ठीक है कि हम लोग कितना स्पेंड करेंगे और किस तरह से हम एलोकेट करेंगे कि हम जो है अक्रॉस मीडिया जो टाइप्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एलोकेट कर रहे हैं मैसेज है व्हाट मैसेज शुड वी स्पेंड ठीक है सेंड हम किस तरह का मैसेज सेंड करेंगे उनको व्हाट मीडिया शुड वी यूज मीडिया को किस तरह से हम यूज करेंगे मेजरमेंट हाउ शुड वी इवेल्युएट द रिजल्ट और रिजल्ट को किस तरह से इवेल्युएट करेंगे बेसिकली दीज आर द 5 MS ऑफ द एडवर्टाइजिंग ठीक है ओके अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की नेक्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव आप अगर खुद से देखें बगैर इसको पढ़ें आपको पता होगा जब एडवर्टाइजमेंट हम कोई भी देखते हैं ये बचपन में हम लोग अक्सर जैसे बच्चों को कार्टून वगैरह की जो चीज़ होती है या कार्टून में जो जेस्चर्स दिखा रहे होते हैं या जो बातें कर रहे होते हैं तो बच्चे कोशिश करते हैं कि उसी तरह का एसेंट यूज़ करें बोलने में उसी तरह का एसेंट यूज़ करें जो है जेस्चर्स में मीन्स टू से कि वो उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं हमारी फैमिली में एक बच्चा है मैं उसी की एग्जांपल एक आपको ऐड करूंगी यहाँ पे उनका ये है कि वो अक्सर कार्टून देखते हैं कार्टून देखने के बाद डोरेमोन वगैरह तो उसमें एक दो करेक्टर हैं वो उसको देखते हुए तो वो कहता है कि सेम एज इट इज स्टिक को पकड़ेगा ऐसे स्टिक को अपने मैं जान कुछ इस तरह से है उसको स्टिक को पीछे करेगा उसको उस वजह से एक वो तलवार स्टाइल का एक प्लास्टिक बना वो भी ला के दिया मीन्स टू से वो सारा दिन उसको उसी तरह से बोलने का स्टाइल एसेंट जेस्चर्स सेम एज इट इज़ जो था वो उस तरह से होता जा रहा था ठीक है तो बाज़ दफ़ा ये इंस्पायरिंग इतना कुछ ज़्यादा हो जाता है बच्चों के लिए क्योंकि हमारी जो मोस्टली एज है ये मोस्टली जो तबका है वो इन चीज़ों को एडवर्टाइजिंग के ज़रिए से अगर पब्लिश किया जाए तो वो ज़्यादा कैप्चर करता है ठीक है तो एडवर्टाइजिंग एक तो हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ठीक है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी चीज़ मार्केट में लाई कर रही है ठीक है इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग एम टू क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू फीचर फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ठीक है उसके बाद जो सेकंड वन है वो है परसुएसिव एडवर्टाइजिंग ठीक है देन है रिमाइंडिंग एंड फोर्थ वन है रीइंफोर्समेंट तो हम लोग अभी बात करते हैं परसुएसिव असाइनमेंट की परसुएसिव एडवर्टाइजिंग एम टू क्रिएट लाइकिंग प्रेफरेंसिंग कन्विंसिंग एंड परचेज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज रिमाइंडर मीन्स जब बार बार एक एडवर्टाइजिंग बार बार रिपीट की जाती है तो क्या होता है उसका जो अल्टीमेट इफेक्ट होता है वो जो कंज्यूमर होता है उसके माइंड पे इफेक्ट कर रहा होता है तो क्या होता है अक्सर मुझे अभी तक अगर रिमेंबर करूँ मैं तो बचपन की जो एडवर्टाइजमेंट मैंने सुनी हुई थी जब वो मेरे सामने आती हैं तो हम उसको बार बार रिपीट कर रहे होते हैं हमें अभी तक हमारे माइंड में उसका इमेज है क्यों हम फोकस ज़्यादा करते हैं उनके ऊपर इट मीन्स अब हम देखते हैं आती हैं कमर्शियल आती है एडवर्टाइजमेंट आती है हम चैनल चेंज कर देते हैं बट
पहले क्या होता था, एक दो चैनल होते थे, हम डिटेल में वेट करते थे कब एडवर्टाइजमेंट गुजरेगी, फिर हम ड्रामा स्टार्ट होगा, फिर हम देखेंगे। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो माइंड में एक रिमाइंडर दिलवा रही होती है मुसलसल आपकी, ना ठीक है। रीइंफोर्समेंट एडवर्टाइजिंग एम टू कन्विंस करंट परचेजेस दैट दे मेड द राइट चॉइस, ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाती है बात हम लोग करें तो टेलीविजन की। टेलीविजन के बेनिफिट्स क्या हैं और ड्रॉबैक्स क्या हैं, ये आप लोगों की असाइनमेंट्स हैं। आप दोनों चीजें लिखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस किसके, टेलीविजन के भी, सोशल मीडिया के भी और प्रिंट मीडिया के भी। ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव असाइनमेंट होगी, ठीक है। आपने तीनों को लिख के ब्रीफली मुझे सेंड करनी है, ठीक है। ये हाशिम आपकी और सदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों ने ये कलेक्ट करवा के मुझे सेंड करवानी है। 5 मार्क्स की असाइनमेंट होगी, 5 मार्क्स आपकी क्वेश्चनिंग के होंगे, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, रीचेस ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ द कंज्यूमर, सबसे पहले ये मीन्स टू से ये ब्रॉड लेवल के जो कंज्यूमर है उसको एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करता है। लो कॉस्ट परक्स एक्सपोजर, ठीक है, जितनी चार्जेस हमें प्रिंट मीडिया के जरिए से या हमें रिटेलर इंटरमीडियरीज के जरिए से देनी पड़ती है, उतनी जो चार्जेस है वो टेलीविजन के जरिए से, एडवर्टाइजमेंट के जरिए से पुश या पुल स्ट्रेटजीज को यूज करके जो है वो चार्जेस कम पे करने पड़ते हैं। अबिलिटी टू डिमोन्स्ट्रेट प्रोडक्ट यूज, ठीक है, प्रोडक्ट यूज मीन्स टू से मतलब जो भी प्रोडक्ट होती है उसके यूजेस के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट में अगर प्रॉपर तरीके से दिखाया जाए तो विद इन वेरी लो कॉस्ट उसको एक अच्छे तरीके से कस्टमर के माइंड में रिमाइंड करवाया जा सकता है। अबिलिटी टू पोर्ट्रे इमेज एंड ब्रांड पर्सनैलिटी, ठीक है, उससे क्या होता है कि उसका जो इमेज है वो कस्टमर के माइंड में एक सेट हो जाता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको कार्टून की एग्जाम्पल्स दी। डिसएडवांटेजेस क्या है, टू मच ब्रीफली चले जाते हैं, बार दफ़ा वही बात कि हम चैनल फटाफट चेंज कर देते हैं, इन्होंने बोल नहीं जाना, कमर्शियल ज़्यादा लंबी है इसको इग्नोर कर दो। मीन्स टू से कमर्शियल को एडवर्टाइजमेंट को इतना शॉर्ट होना चाहिए और इतना एक्यूरेट और जिसे कहा जाए एक्यूरेट और अथेंटिक होना चाहिए कि फ़ौरन से जो है वो माइंड को कैप्चर करे कंज्यूमर के और वो उसको प्रॉपरली स्किप करने के, अगर स्किप करने का सोच रहा है विद इन सेकेंड की बनाई जाए कि वो उनकी नज़रों के सामने से गुजर भी जाए और उनके माइंड में कोई ना कोई सेंटेंस एक रह भी जाए, ठीक है। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाई कॉस्ट ऑफ प्लेसमेंट, लेक ऑफ अटेंशन बाय द व्यूअर्स, ठीक है। हमें अपने फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अगर उनको पब्लिकेशन उनको उसकी ज़रूरत है प्रमोशंस की तो वो केबल्स वालों से कॉन्टेक्ट करके कि हमारा एड जो है वीक में 4 दिन चलाया जाए या 3 दिन चलाया जाए, तो वो बेसिकली प्रमोशंस कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं थ्रू टेलीविजन। तो क्या होता है उसको एडवर्टाइज करने के उसके हैवीली चार्जेस वो चार्ज करती है, जिससे क्या होता है कि वो जो चार्जेस हैं वो फिर वो पूरे कर रहे होते हैं बच्चों को ओवरबर्डन करके या अदारे को ओवरबर्डन करके किसी भी तरह से, ठीक है, वो कॉस्ट के अंदर शामिल हो जाते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ प्लेसमेंट, तो उसकी जो कॉस्ट है फिर वो हाई चार्ज जब करते हैं ऑटोमेटिकली जो आपकी फीसिस हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। लेक ऑफ अटेंशन बाय द व्यूअर्स, जितनी ज़्यादा लेंथी होगी उतना ज़्यादा जो अटेंशन है व्यूअर्स का वो क्या होगा, डाइवर्ट होगा। नीचे वाली एक्सप्लेनेशन बिल्कुल एज इट इज है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप इसको खुद से पढ़ेंगे। इसी तरह से प्रिंट मीडिया, अभी प्रिंट मीडिया के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात हो रही है प्रिंट एड्स की। प्रिंटेड जो बल्क फॉर्म में इतने बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं, सबसे पहले तो ये मैसिव मीडिया मीन्स टू से स्पेसिंग बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा देखने में अच्छे भी नहीं लग रहे होते, कुछ लोग इनको लाइक कर रहे होते हैं, कुछ इनको डिसलाइक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका इतना अच्छा इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। जो इसके एडवांटेजेस हैं वो क्या है कि एक डिटेल वही जैसे आपके टेलीविज़न के हैं देखा जाए तो सेम है, ये कम्युनिकेट करते हैं और इमेज एक सेट करते हैं प्रोडक्ट का, फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी भी टाइम पे चेंज किया जा सकते हैं, एक बिल को उठाया उतारा दूसरे को लगा दिया। बिल्टी टू सेगमेंट, इसमें हम सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं, पार्टीशन भी कर सकते हैं, बल्क बोर्ड के ऊपर हम मल्टी जो हैं, आप जैसे यहाँ पे चले जाएं लाहौर में डेवो के अड्डा जो है यहाँ पे ठोकर न्याज बेग पे, तो यहाँ पे एक सिग्नेचर रेस्टोरेंट है उसके सामने बिल्कुल अगर आप देखे जाए तो बल्क अमाउंट में इतने बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं और उसमें जो स्मॉल स्मॉल एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट किस्म की उन्होंने की गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो प्रिंट मीडिया है उसके जो हैं बेनिफिट्स हैं और ड्रॉबैक्स हैं।
उसके बाद यहाँ पे एक अदर एग्जांपल्स है जो बेसिकली लिंक कर रही है प्रिंट ऐड कंपोनेंट के ऊपर. फॉर एग्जांपल ये एक कंपोनेंट है प्रिंट किया हुआ है और नीचे कुछ इन्होंने लिखा हुआ है. रिसर्चर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आई एम रिसर्चिंग. जैसे आप 9th-10th में होते थे, आप बायो केमिस्ट्री फिजिक्स की बुक आप लोग अगर देखें तो उनके साइड्स पे छोटी छोटी सी इस तरह से इंफॉर्मेशन लिखी होती थी. तो पहले क्या होता था, पहले हम लोग उसको बहुत डिटेल से पढ़ते थे क्योंकि हमें पता होता था इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं. आज वो पढ़े जाते हैं फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज उसमें से आ सकते हैं. तो क्या होता था, वो बेसिकली वो प्रिंट ऐड कंपोनेंट्स थे, ठीक है, जो क्या करते हैं आपकी नॉलेज में मजीद क्या करते हैं, इजाफा करते हैं. तो एक रिसर्चर होता है, जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे आपको एक रिसर्च का टॉपिक पढ़ा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको क्या आप इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, देखते हैं, ठीक है, कि कहाँ पब्लिश हुआ, किस जगह पे पब्लिश हुआ, उनके बारे में दिस एंड दैट डिटेल बताई जाती है. ये एक अदर एग्जांपल है प्रिंट मीडिया की, जिसमें मैंने आपको बल्क अमाउंट में हैवीली जो बोर्ड्स लगाए जाते हैं एट अ टाइम, एक बोर्ड पे मल्टी जो कमर्शियल्स है उनको ऐड किया जाता है इस तरह से लाइक दिस, ठीक है, ओके. देन आ गया डीज फ्रिक्वेंसी इम्पैक्ट एंड एक्सपोजर, जो प्रिंट मीडिया का होता है, जो इफेक्ट होता है या जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है देखने की, बार दफ़ा रेंडमली हम देख रहे होते हैं मुसलसल एक चीज़ की तरफ हम लोग देखते जाते हैं, ठीक है. अक्सर ट्रैवल हम लोग कर रहे होते हैं तो हम विंडो में से बाहर देख रहे होते हैं, तो मुसलसल हमारी जब जैसे मेट्रो का सिस्टम जब से स्टार्ट हुआ है तो आपने देखा होगा बहुत से जो बोर्ड हैं इस तरह के वो मेट्रो के लेवल पे आ गए हैं. आप विंडो में बैठ के देखते हैं आपको लगता है बिल्कुल साथ साथ आपके वो चल रहे हैं, तो उससे क्या वो आपकी फ्रिक्वेंसी जो देखने की है वो बढ़ती जाती है, आपके माइंड में एक इम्पैक्ट पड़ जाता है. आप जब डेली बेसिस मेट्रो में ट्रैवल करते हैं आपको याद हो जाता है कौन सा बोर्ड कहाँ था, क्या उस पर लिखा हुआ था, ठीक है. तो एक्सपोजर आपका उससे क्या होता है, बढ़ता जाता है. उसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास मेजर मीडिया टाइप्स. मीडिया कितनी टाइप्स है, आप देखा जाए जिस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं किस किस सोर्स से, वो सारी की सारी मीडिया के अंदर शामिल होगी. न्यूज़पेपर के जरिए से कर सकते हैं, टेलीविज़न के जरिए से, डायरेक्ट ईमेल, जैसे मैंने आपने कहा कोई प्रोडक्ट परचेज की किसी, आपने ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर लिख दिया, आपके फ़ोन पे मैसेजेस आते हैं, आपके ईमेल में मैसेजेस आते हैं. रेडियो के जरिए से, मैगजीन के जरिए से, आउटडोर होके जा कर सकते हैं येलो पेज पे, और येलो पेज मीन्स आर्टिकल्स जो बड़े बड़े पब्लिश होते हैं, न्यूज़ लेटर्स के ऊपर, ब्राउचेस के ऊपर, और टेलीफोन के ऊपर, और इंटरनेट के जरिए से, ठीक है. ब्राउचेस मीन्स जैसे कोई भी, अक्सर ये आपके घरों में स्कूल ही ओपन हुआ है, ब्राउचेस से बना के आपके घरों में फेंक जाते हैं, ठीक है, एक पेज पर लिखा होता है हम आपको ये तालीम देंगे, इस फॉर्म में आप बना सकते हैं, ठीक है. उसके बाद है नेक्स्ट, हम लोग बात करते हैं अभी इसके बारे में, प्लेस एडवर्टाइजिंग के जरिए. प्लेस एडवर्टाइजिंग है क्या और ये किस तरह से की जाती है, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. एक एग्जाम्पल है, इन रिसेंट ईयर रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेडिशनल मैस मीडिया हैज लेड एडवर्टाइजिंग टू इंक्रीज देयर एम्फसाइसिस ऑन अल्टरनेट एडवर्टाइजिंग मीडिया, प्लेस एडवर्टाइजिंग और आउट ऑफ द होम एडवर्टाइजिंग इन अ ब्रॉड कैटेगरी इंक्लूडिंग मैनी क्रिएटिव एंड अनएक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ गैप कंज्यूमर अटेंशन. द रैशनल इज दैट मार्केटर्स आर बेटर ऑफ रीचिंग पीपल वेयर दे वर्क प्ले इन कोर्स शॉप. पॉपुलर ऑप्शन इंक्लूड बिलबोर्ड्स, पब्लिक स्पेस, प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स एंड पॉइंट ऑफ परचेज. बिलबोर्ड हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड नाउ यूज कलरफुल डिजिटल प्रोड्यूस्ड ग्राफिक, बैकलाइटिंग, साउंड मूवमेंट एंड यूजुअल इवन 3D. आप बड़े बड़े आप पोर्टर्स के में एंटर हो जाएं, आपको बड़े बड़े बिलबोर्ड नजर आते हैं, उसमें बकायदा म्यूजिक, जैसे आप समझते हैं आप जैसे टेलीविजन एक चल रहा होता है, कमर्शियल चल रही होती है, ठीक है. एडवर्टाइजिंग हैव बीन इंक्रीजिंगली परचेजिंग इंक्रीजिंगली placing ad in unconventional places such as a movie screen, airplanes, fitness clubs, as well as classrooms, sports lines, office, hotels, and other public places. Billboard type sport poster ad are showing up everywhere. Transit ads on buses, subway, computer trains around for years have become a valuable way to reach working women, street furniture, isa so and so. मीन्स टू से आपके पास नंबर ऑफ एग्जांपल्स टू मच हैं, आप कोई भी एग्जांपल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सेल्स प्रमोशन. व्हाट इज अ सेल प्रमोशन? सेल्स प्रमोशन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शंस ऑफ इंसेंटिव टूल्स. ठीक है, कौन कौन से टूल्स हैं जिसके जरिए से आप अपनी सेल्स को प्रमोट कर सकते हैं, सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए. डिजाइन टू स्टिमुलेट क्विकली
quicker or greater purchase of particular product or services by consumer or a trade. Sales promotions जो है basically वो key ingredient होता है in marketing campaign में, consist of a collection of incentive tools, mostly short term design to stimulate quicker or greater purchase of the particular product or services by consumer or the trade. Where advertising offer a reasons to buy, sales promotion offers and incentives. Sales promotions includes tools for consumer promotion, samples, coupons, cash, referred offers, refund offers, prices of premium size, free trade, warranties, tie-in promotions, cross promotions, point of purchases, display and demonstrations, trade promotion, prices of advertising and display allowances and free goods and business and sale forces promotions, trade shows and convenience, conventions, contests for sale rates and specialty advertising. ठीक है, sales promotion का basically purpose यही होता है कि वो तमाम strategies जो हमने पीछे पढ़ी हैं ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, वैल्यू पोजीशन को बढ़ाने के लिए, चैनल्स को प्रमोट करने के लिए, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को सेट करने के लिए, बेसिकली ये सब की सब जो स्ट्रेटजीज, जो टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे इन सब चीज़ों के लिए, वो सारी की सारी शामिल होंगी सेल्स प्रमोशन के अंदर. प्रमोशन टैटिक्स क्या है? प्रमोशन टैटिक्स ये होते हैं कि सैम्पल्स, कूपन, आप हम पल के पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है, उसके बाद में आपको बारी बारी आपको वन बाई वन समझाती जाती हूँ. Samples क्या है? Sample offer a free amount of product or services delivered door to door, sell in email, picked up in a store, attached to another product, a feature in an advertising offer. आप क्या करते हैं अपनी sales को promote करने के लिए? Starting में क्या होता था कि घरों में मुख्तलिफ किस्म के product को check करवाने के लिए आते थे, जैसे shampoo हो गया, एक लें एक के बदले एक free, ठीक है. देखा जाए तो वो original नहीं होता, लेकिन वो basically क्या कर रहे होते हैं, अपनी promotion कर रहे होते हैं, क्योंकि सारे लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं होते कि ओरिजिनल है या मतलब आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल नहीं है, फेक है. तो क्या होता है, वो उस चीज़ों को वो ये देख रहे होते हैं कि कम प्राइसेस में ज़्यादा चीज़ मिल रही है, लोग इन चीज़ों को परचेज कर रहे होते हैं. इस तरह से वो क्या करते हैं, वो उनके माइंड को कैप्चर कर रहे होते हैं सैम्पल्स दिखा के. आप सैम्पल्स से करें, अगर आप सेटिस्फाइड हैं हम दोबारा आएंगे, फिर हम आपसे बल्क अमाउंट में आप हमसे परचेज कर सकते हैं. या जब हम लोग ये वीट या कॉटन वगैरह के जब क्रॉप्स जो हैं, ये जब इनका हार्वेस्टिंग का टाइम इनका होता है, तो फिर भी क्या होता है कि जो लोग होते हैं जिन्होंने वीट परचेज करनी होती है, पूरे ईयर्स के लिए लोग परचेज कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, सैंपल के तौर पे थोड़ा सा उसके दाने जो हैं हाथ में पकड़ते हैं, उसको चेक करते हैं, और अगर उनको सेटिस्फाइड हों तो फिर वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को मजीद ऑर्डर में डाल देते हैं कि हमें मजीद चाहिए, ठीक है, ओके. उसके बाद अगर हम लोग बात करें कूपन्स की, कूपन्स क्या है, आर सर्टिफिकेट एंटाइटलिंग द बैरियर टू अ स्टेटेड सेविंग ऑन द परचेजेस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट. ठीक है, खास किस्म के प्रोडक्ट के लिए जो है कूपन सर्टिफिकेट दिया जाता है. कैश रिफंड ऑफर, जैसे कि रिबेट्स के लिए, प्रोवाइडिंग अ प्राइस रिडक्शंस आफ्टर परचेज रादर देन एट द रिटेल शॉप. ठीक है, प्राइस रिडक्शंस के लिए जो आपको स्पेसिफिक सर्टिफिकेट दिया जाता है वो बेसिकली क्या होता है, कूपन होता है. प्राइस ऑफ, ठीक है, प्राइस पैक या सेंट ऑफ डिटेल ऑफर टू कस्टमर फॉर सेविंग ऑफ द रेगुलर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फ्लैग टू लेबल द पैकेजिंग. ठीक है, स्पेशल किस्म की ऑफर दी जाती है, इन स्पेसिफिक टाइम में प्राइस ऑफ चल रही है, आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. प्रीमियम क्या है? प्रीमियम में गिफ्ट है, ठीक है, जो कि मर्चेंडाइज की तरफ से ऑफर किया जाता है एट अ रिलेटिवली लो कॉस्ट और फ्री एज अ इंसेंटिव फॉर द परचेज ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है, प्रीमियम दिया जाता है कि अगर आप ये चीज़ें परचेज करेंगी उसके साथ आपको ये चीज़ फ्री मिलेगी, ये चीज़ परचेज करेंगी आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, इस तरह से. ठीक है, उसके बाद अक्सर देखा होगा प्राइस, आप कोई भी आइटम परचेज करती हैं एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो फॉर्म फिल करने से क्या होता है, जैसे मेट्रो में जाएँ, ये जो 3200 के पास है इसमें जाएँ, तो ये जो जीतो पाकिस्तान शो है, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मुझे बताया, मतलब जब मैंने विज़िट किया था तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि अगर 5000 ये स्पेसिफिक 15 डेज में
आई डोंट नो, मुझे पहले आइडिया नहीं था. अगर आप शॉपिंग करेंगे 5000 से अबव तो आपको जीतो पाकिस्तान का फ्री टिकट ऑफर किया जाएगा, 2 टिकट ऑफर किए जाएंगे, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं. इसी तरह से क्या हुआ, अगर आप जीतो पाकिस्तान में जाते हैं तो जिनको तो चीज़ें मिलती हैं सो मिलती हैं, उसके अलावा जो बाकी जो भी वहाँ पे आए होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ मिलता है. ठीक है, तो इस तरह से था, वो लाहौर में शो था, बट वी कांट गो, हम नहीं जा सके. इस तरह के प्राइजेस भी दिए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाती हैं, कुछ मेडिसन्स हैं, अक्सर आपने देखा होगा जो हैवी उसकी होती हैं, एमएल की होती हैं, उनके साथ एक फ्री पेंसिल गिफ्ट की जाती है. ठीक है, अक्सर अक्सर आप मेडिकल स्टोर्स पे जाएं, वो मोस्टली मेडिकल स्टोर्स वाले तो निकाल लेते हैं, पाकिस्तान में दोनों भी माहिर हैं, बट ये है कि मोस्टली दे भी रहे होते हैं. ठीक है, उसके बाद है फ्रंटेज रिवॉर्ड. ठीक है, तो उसके बदले में फिर ये होता है कि अगर आप मुसलसल एक उनके लॉयल कस्टमर बन जाते हैं तो वो कुछ रिवॉर्ड फॉर्म में आपको मिलता है. जैसे यूफन वालों ने स्टार्टिंग में जो उनके प्रायोरिटी बेस्ड कस्टमर थे, जो उनकी बिलिंग के ऊपर उनकी सीम थी, तो उनको एक यूफन का फोन गिफ्ट किया था, पैरेट ग्रीन कलर का, छोटा सा नोकिया स्टाइल का होता था, वो बहुत कहा जाए ईजिली पोर्टेबल था, नो वेट उसका था, बहुत अच्छी उसकी सर्विसेज थी यूफन की. उसके अलावा एक्स्ट्रा सर्विसेज तो दी जाती हैं, एक्स्ट्रा मिनट्स और बाकी चीज़ें भी दी जा रही थी उस फोन के ऊपर, वो एक अलग से थी उनकी आईएमई नंबर की वजह से. ठीक है, फ्री डायल दिया जाता है प्रमोशनल स्ट्रेटजी के लिए. आप एक फ्री डायल में एक चेक करें, अक्सर देखा होगा कि आप जब फ्रूट वगैरह या वेजिटेबल्स वगैरह लेने जाते हैं, फीमेल की तो आदत का तो मुझे पता है, मेल का आई डोंट नो, तो आप क्या करते हैं, फ्रूट लेने गए, एक फ्रूट उठाया है चेक करने के लिए, तो फ्री डायल आप दे रहे होते हैं बेसिकली. ठीक है, इसके बाद टाइम प्रमोशन, उसके बाद आप क्या करते हैं अब बेसिकली इसमें से जो एक चीज आपके पढ़ने वाली है जो न्यू होगी वो क्या होगी, वह स्टिफ. स्टिफ, अब स्पिफ क्या है यहाँ पे, स्पिफ बेसिकली हम लोग यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाए. An advertising allowance compensate retailer for advertising the manufactured product. A display allowance compensate them for carrying a special product display. Free Free goods offer includes extra cases of merchandise to intermediate who buy a certain quantity or who feature a certain flavor or size. Trade shows and conventions are industry association organized annual trade show and convention. A sale contents aims at including the sale force or dealer to increase their sales result over a stated period with price, money and tips. Specialty advertising consists of useful low-cost items bearing the company name and address and sometimes an advertising message that salespeople give to prospect and the customers. Clear ho gaya? Uske baad ye ek other examples hain. Event and experience. Okay. Ab isme event and experience mein ek example maine aapko add kar di hai. Ye aap log apne final terms mein अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है तो आप सेल्स को प्रमोट करने के लिए इस एग्जांपल को कोट करेंगे. ठीक है, इसमें क्या है कि डेली इनकाउंटर विद ब्रांड्स में आल्सो अफेक्ट कंज्यूमर ब्रांड एटीट्यूड एंड बिलीफ. एटमॉस्फेयर्स आर पैक्ड एनवायरनमेंट दैट क्रिएट और रीइंफोर्स लर्निंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट परचेज. ला ऑफिस डेकोरेट विद ओरिएंटल रग्स एंड ओक फर्नीचर कम्युनिटीज स्टेबिलिटीज एंड सक्सेस. फाइव स्टार होटल विद हूज एलिजेंट calendars, marbles, columns and other tangible signs of luxury. Many firms and creative. इस तरह से अभी एक अदर एग्जाम्पल्स है वो भी एड कर सकते हैं. ठीक है, प्रमोशन स्ट्रेटजीज. ओके, अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो स्पॉन्सर इवेंट क्या होते हैं, वो आइडेंटिफाई किससे किए जाते हैं, आइडेंटिफाई विद अ पार्टिकुलर टारगेट मार्केट और लाइफ स्टाइल. स्पॉन्सर कर रहे हैं या कहते हैं इस चीज़ को करने के लिए, अक्सर मॉर्निंग शोज जब आ रहे होते हैं, तो मॉर्निंग शोज जब स्टार्ट होते हैं तो
क्लियर कट बताया जाता है जो भी वहां पे उनका वो होता है, वो कहते हैं कि ये जो हमारा जो शो है, ये मॉर्निंग शो है जिसको स्पॉन्सर कर रहे हैं दिस वन ब्रांड, दिस वन कंपनी, तो इसका मकसद क्या होता है कि मार्केट को टारगेट करना, ठीक है, टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, अपने ब्रांड को मजीद अवेयर करने के लिए, टू क्रिएट और री एनफोर्स कंज्यूमर परसेप्शंस, ठीक है, और ब्रांड इमेज एसोसिएशन, मजीद उनके इमेज क्रिएट करने के लिए, टू इन्हांस कॉर्पोरेट इमेज, टू क्रिएट एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स, ठीक है, उसके बाद टू एक्सप्रेस कमिटमेंट टू कम्युनिटी, टू इंटरटेन की एलिमेंट ऑफ रिवार्ड एम्प्लॉइज, टू इमिट परमिट मर्चेंडाइजिंग और प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ये अगर आप लोग ये लिख दें और साथ इसके एग्जाम्पल्स के साथ लिख दें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात जो कर रहे हैं वो पब्लिक रिलेशन फंक्शन की बात कर रहे हैं। पब्लिक रिलेशंस मींस प्रेस रिलेशंस, प्रोडक्ट पब्लिकली, ठीक है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, लॉबिंग एंड काउंसलिंग, बेसिकली ये चार ये पांच जो हैं ये पब्लिक रिलेशंस डीलिंग आइटम्स हैं, उसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। प्रेस रिलेशंस का मतलब है प्रेजेंटिंग न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इन द मोस्ट पॉजिटिव लाइट, ठीक है, प्रेस मीडिया के जरिए से आप बता रहे होते हैं। प्रोडक्ट पब्लिक, जब आपकी आपने आपका एक ब्रांड है, आपने प्रेस मीडिया को बुलाया, उसके जरिए से बता दिया, फिर आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी प्रोडक्ट आपकी ब्रांड के बारे में बता रही होगी। स्पॉन्सरिंग एफर्ट टू पब्लिकाइज स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बाद है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस। लॉबिंग का मतलब क्या होता है, डीलिंग विद लेजिस्लेटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू प्रमोट और डिफीट लेजिस्लेशंस एंड रेगुलेशंस। काउंसलिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट और पब्लिक इश्यूज एंड कंपनी पोजीशंस एंड इमेज ड्यूरिंग गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। बहुत आसान आसान से टर्मिनोलॉजीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो इस पर मूव कर रहे हैं वो है टास्क एडेड बाय पब्लिक रिलेशंस, ठीक है, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, इनका क्या क्या काम होता है, रिपोजिशनिंग अ मैच्योर प्रोडक्ट, बिल्डिंग इंटरेस्ट इन अ प्रोडक्ट कैटेगरी, इन्फ्लुएंसिंग स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप, डिफेंडिंग प्रोडक्ट, बिल्डिंग द कॉर्पोरेट इमेज इन द वे दैट, ठीक है, पहले है जो हमने बारी बारी जो हमने इसको डिस्कस करना है, सबसे पहले आपने बता देना है क्या ये मार्केटिंग पब्लिक रिलेशनशिप है क्या। मार्केटिंग पब्लिक रिलेशनशिप बेसिकली सपोर्ट करता है कॉर्पोरेट को प्रोडक्ट की प्रमोशंस के लिए एंड इमेज क्रिएट करता है माइंड के अंदर कस्टमर के, ठीक है। अच्छा, पीआर भी यहाँ पे बार बार शो कर रहा है, पीआर का मतलब क्या है, पब्लिक रिलेशनशिप, ठीक है। द ओल्ड नेम ऑफ एमपीआर वाज पब्लिकली पब्लिसिटी, द टास्क ऑफ द सिक्योरिंग एडिटोरियल स्पेस एज अपोज्ड टू पे space in print and broadcast media to promote a product, services, idea, place, promotion, persons, organizations. MPR goes beyond simply publicly and plays an important role in the following task. ठीक है, this and that. Next one है हमारे पास major tools in marketing public relations. कौन कौन से tools इस्तेमाल होते हैं public relationship के लिए? सबसे पहले publications की जाए, maximum लोग ताकि articles के जरिए से इसको पढ़ें। नेक्स्ट है इवेंट इस तरह से क्रिएट किए जाएं ताकि जो लोग हैं उन इवेंट्स को इवेंट्स जब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एक दूसरे से मिलें, सोशल नेटवर्क बढ़े और आपकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हो। स्पॉन्सरशिप जो मैंने आपको बताया मॉर्निंग शो में जाके उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर किया जाए ताकि आपका ब्रांड का जो नेम है वो कस्टमर के माइंड में फिट हो जाए। न्यूज़ के ज़रिए से आपने करना, स्पीचेस करनी है, पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़ के जरिए से करनी है, जहाँ पर पब्लिक इकट्ठी है वहाँ पर आप एडवर्टाइज करवाएं। आइडेंटिफाई आइडेंटिटी मीडिया के जरिए से, ठीक है, मीडिया ब्रॉडकास्टिंग के जरिए से। पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़ में आप ये कह लें कि जैसे जैस की सिम या जिस तरह की सिम सेल करने के लिए अक्सर देखा जाएगा कि मेट्रो स्टेशन के पास शादरा के पास उतरे तो वहाँ पे नीचे काफ़ी ज़्यादा खड़े होते हैं, मुख्तलिफ प्रमोशंस कर रहे होते हैं लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर, तो क्या होता है बेसिकली वो पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर डीलिंग करने का मकसद होता है अपने प्रोडक्ट को मज़ीद पब्लिकाइज करना, ठीक है। पब्लिक देयर आर मेजर टूल्स यूज इन द पब्लिक रिलेशनशिप, कंपनीज रिलाई एक्सटेंसिवली ऑन पब्लिश मटीरियल टू रीच एंड इन्फ्लुएंस देयर टारगेट मार्केट, दिस इंक्लूड एनुअल रिपोर्ट्स, ब्रॉशर्स, आर्टिकल्स, कंपनीज न्यूज़लेटर्स एंड मैगजीन्स एंड ऑडियो विजुअल मटीरियल्स।
companies can draw attention to new product or other companies' activities by arranging and analyzing and publicizing special events such as news, conferencing, seminars, outing, trade shows, exhibit contents and competitions and anniversaries that will reach the target public. Companies can promote their brand and corporate names by sponsoring and publicizing sports and cultural events and highly regarded causes. One of the major tasks of PR, public relations professional, is to find and create favorable news about the company, its products and its people, and to get the media to accept press releases and attend press conferences. Increasingly, company executives must field questions from the media or give talks about a trade association and sales meeting, and these appearances can build the company image. Company can build goodwill by contributing money and time to good causes. Company need a visual identity that the public immediately recognize. ठीक है, ये basically कुछ चीजें हैं इसको आपने अपने ये जो आप पब्लिक रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसमें आप इनके बारे में डिस्कस करेंगे मेजर टूल्स के तौर पे. पब्लिक रिलेशनशिप में जो मेजर टूल इस्तेमाल होते हैं फॉर द प्रोडक्ट प्रमोशंस के लिए वो ये हैं. ठीक है, आज का टॉपिक भी इतना ही है और अब हमारा सिर्फ एक लेक्चर रह गया है. अब उस एक लेक्चर को हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स के अंदर अगर पॉसिबल हुआ. अगर पॉसिबल ना हो सका तो उसका जो एक टॉपिक होगा वो मैं आपको एज असाइनमेंट दूंगी. एक असाइनमेंट इस सेक्शन में से आपको मैंने दी है टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप मुझे सबमिट करवाएंगे. सेकंड असाइनमेंट आपकी लास्ट लेक्चर में से होगी जो हम कंटिन्यू करेंगे. चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.